एवरीवन, नीलम वेलकम्स यू एट द राइज ऑफ ऑप्स लर्नर्स। आज हम सीखने वाले हैं जीएस डॉज। इंग्लिश से काम अब नहीं चलने वाला है, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जुट जाओ। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद करने की, और आप भी अपनी तरफ से हमारी कोशिश को सफल बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम सीखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ जो किसी किस शहर के किनारे से गुजरती हैं, या हम कह सकते हैं कि कौन से शहर कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो जानते हैं, क्योंकि जीएस में तो ये आता है, जनरल स्टडीज़ में, जनरल नॉलेज में ये आता है, तो नदियों से तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप लर्नर्स की आपको थोड़ा सा पता है नदियों के बारे में, वो आपको मैप से सीखने को मिलेगा। तो मैप उठाइए, जुट जाइए और फिर देखिए इनको सीखने के बाद कि कहाँ पर कौन सी नदी जा रही है और कौन सा शहर वहाँ पर दिख रहा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमारी जो यौहली रिवर्स हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, सबसे पहले आती है हमारी यमुना नदी। कौन सा शहर है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है? मथुरा, पता ही है आपको, श्री कृष्ण जी की नदी हुआ करती थी यमुना नदी। यमुना नदी में तो उनके बहुत सारे किस्से हैं, और वो कहाँ पर थे? मथुरा, ठीक है। उसके बाद आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद, ये चार शहर हैं, मथुरा, इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा। फिर आते हैं हमारी गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे कौन से शहर हैं जहाँ पर हमारे कुंभ मेले लगते हैं? आपको पता ही है कहाँ कहाँ लगते हैं। इलाहाबाद लगते हैं, हरिद्वार, बनारस जिसको हम आजकल वाराणसी कहते हैं, कानपुर, पटना। कानपुर पटना में नहीं लगता है कुंभ मेला, लेकिन ये जो शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे हैं। कानपुर, पटना, हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी, याद हो गए, पांच शहर हैं। फिर आते हैं बात हमारी जो सबसे लंबी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सोकोवा घाट और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, तीन, पहले चार फिर पाँच अब तीन। कौन से? सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, असम में गुवाहाटी है, असम से निकल कर आती है, आपको याद होगा, एक बार मैप देख लीजिएगा नहीं तो। उसके बाद हमारी सतलुज नदी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सतलेज और हिंदी में बोलते हैं सतलुज नदी, बहुत ही हमारी फेमस नदी रही है। फिरोजपुर और लुधियाना, पंजाब से ये दो आपके शहर जो कि भारत के हैं, क्योंकि वैसे तो सतलुज पाकिस्तान से भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो फिरोजपुर और लुधियाना दोनों ही पंजाब के शहर। उसके बाद आती है महानदी। तो महानदी, आप ये क्या कह रहे हैं, संभल कर रहना, संबलपुर, संभल कर रहना, आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, संबलपुर और कटक, महानदी है, संभल कर रहना नहीं तो काट डालेगी, तो कटक और संबलपुर। उसके बाद आती है हमारी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ, हमारे जो चार धाम आते हैं उनमें से बद्रीनाथ, तो अलकनंदा का जो महत्व है और बढ़ जाता है। तुंगभद्रा नदी, कुरनूल। अब जैसे जैसे तुंगभद्रा का नाम ऐसा अजीब अजीब सा है, ऐसे ही शहर भी कुरनूल, ठीक है, तो तुंगभद्रा और कुरनूल। झेलम नदी, झेलम के तो बड़े किस्से हैं भाई, झेलम चिनाब के, तो याद रखना है आपको श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद ताप्ती नदी, ये हमारी साउथ इंडिया की नदियां हैं, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, तो ताप्ती नदी गुजरात का जो सूरत शहर है वो बसा हुआ है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा, ये राजपूतों के लिए बड़ा फेमस माना जाता है, तो विजयवाड़ा वहां पर बसा हुआ है कृष्णा नदी। उसके बाद साबरमती नदी, अहमदाबाद, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, तो वो कहाँ से थे साबरमती के संत? अहमदाबाद, तो अहमदाबाद शहर बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। फिर आती है हमारी कावेरी नदी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये तो साउथ इंडिया की बहुत फेमस नदियां हैं, तो कावेरी की बात आती है तो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। अब साउथ में आपको पता है कि पट्टनम पट्टनम ऐसे बहुत रंग आते हैं, और रंग तो इसमें है ही, तो कावेरी नदी, श्रीरंगपट्टनम। गोदावरी नदी नासिक, ये भी हमारा बड़ा फेमस है, बड़ा रिलीजियस प्लेस है नासिक, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। भीमा नदी पंढरपुर, भीमा, भीम से याद कर लो, भीमा नदी और पंढरपुर, ठीक है। राम गंगा नदी, हमारे राम गंगा हमारी वैसे ही पवित्र नदी है, तो राम गंगा नदी बरेली,
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो राम के गंगा में क्या हुआ, राम गंगा नदी में बरेली में क्या हुआ, झुमका गिर गया। बेतवा नदी ओरछा, बेतवा बताओ ओरछा कहाँ गिरा, अंगोछा ओरछा कुछ ऐसा ऐसा लगा, तो बेतवा बताओ आप ऐसे याद कर सकते हो, बेतवा नदी बताओ ओरछा अंगोछा मेरा अंगोछा कहाँ गिरा, तो मिलते जुलते से शब्द हैं, कहीं ना कहीं लर्नर्स आपको लिंक करना पड़ेगा याद रहने रखने के लिए। शिप्रा या छिप्रा भी बोलते हैं, शिप्रा भी बोलते हैं उज्जैन में, ठीक है, ये आपकी जो माता रानी है वैष्णो माता, उनका बहुत फेमस मंदिर वहाँ पर है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, तो ये ऐसे याद रखना है माता रानी के नाम से। सरयू नदी, इसको कौन नहीं जानता, हमारे आदर्श राम, हमारे भगवान सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है, और अयोध्या में अभी भी आपको पता है कि हमने ये क्या मोदी जी की वजह से अयोध्या का हमने जो केस जीत लिया है और राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर हो रहा है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। हुगली नदी कोलकाता, अभी ये हुगली नदी बहुत फेमस है किसके लिए, जो हमारा कॉटन का काम होता है, कॉटन जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा वहाँ से होता है, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल वहाँ से मिलता है, और दूसरी चीज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत जो है कि अच्छे कंडीशंस वहाँ पर हैं, तो हुगली नदी कोलकाता। गोमती नदी लखनऊ, गोमती नदी कहाँ है, लखनऊ। तो लर्नर्स एक बार मैं साइड हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रिवाइज ज़रूर करना, बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी, एक एक दो दो बार रिवाइज करोगे ये याद हो जाएगी। सो गुड लक एंड बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड स्टे विद अस, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।